साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार, जेम, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है। 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है। पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। रेलवे का आरक्षण करवाना हो और गांव में रहता हो तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था, 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए। आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली फोन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है और गांव वालों को भी पता है यहां ये व्यवस्था है। इसमें भी किराए, भाड़े, आना जाना, दिन लगाना, सभी खर्चों में कटौती आई है। गरीब मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए तो ये बचत और भी बड़ी है, क्योंकि उनका पूरा दिन बच जाता है। और कभी कभी हम सुनते थे ना, टाइम इज मनी, सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब उसका अनुभव सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। मैं अभी काशी गया था तो काशी में रात को, दिन में तो इधर उधर जाता हूं तो ट्रैफिक और लोगों को परेशानी, तो फिर मैं रात को 1-1.30 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला गया देखने के लिए भाई कहाँ क्या हाल है, क्यों वहां के MP हूं तो काम तो करना है। तो मैं वहाँ पैसेंजरों से बात कर रहा था, स्टेशन मास्टर से बात कर रहा था, क्योंकि मेरा सरप्राइज विजिट था, कोई बता के तो गया नहीं था। तो मैंने कहा भाई ये जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या अनुभव है, और ऑक्यूपेंसी कैसे रहते। अरे बोले साहब इतनी उसकी मांग है कि हमें कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी ट्रेन महंगी है, इसकी टिकट ज्यादा लगती है, इसमें लोग क्यों जाते हैं। बोले साहब इसमें मजदूर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, गरीब लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। मैंने कहा कैसे भाई, मेरे लिए सरप्राइज था। बोले वो दो कारण बताते हैं, एक बोले वंदे भारत ट्रेन में स्पेस इतनी है कि सामान उठा के लेके जाते हैं तो रखने की जगह मिल जाती है, गरीब का अपना एक हिसाब है, और दूसरा समय जाने में 6-8 घंटे बढ़ जाता है तो वहां तुरंत काम पे लग जाता हूं तो 6-8 घंटे में जो कमाई होती है टिकट तो उससे भी कम में लग जाती है। टाइम इज मनी, कैसे गरीब हिसाब लगाता है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की इसकी समझ बहुत कम होती है। साथियों, ई संजीवनी जैसी टेली कंसल्टेशन की जो सेवा शुरू हुई है, मोबाइल फोन से बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ प्राइमरी सारी चीजें पूरी हो जाती है, और इसके माध्यम से अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने घर में बैठे ही अपने मोबाइल से अच्छे अस्पताल में अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट किया है। अगर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो आप
कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाइयां होती, कितना खर्चा होता। यह सारी चीजें डिजिटल इंडिया सेवा के कारण जरूरत नहीं पड़ी। साथियों, सबसे बड़ी बात जो पारदर्शिता इससे आई है, उसने गरीब और मध्यम वर्ग को अनेक स्तरों पर चलने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है। हमने वो समय देखा है जब बिना घूस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। अने मने तो याद छे, एक बार विधानसभा में चर्चा थयेली, अने आजे चर्चा ने याद करूं तो मने आश्चर्य था कि आवी बधी बात विधानसभा में थती थी। केटलाक पत्रकारों जेन शोधशे हवे शोधी काढशे बधुं। विषय एवो हतो कि जे विधवा पेन्शन मळे छे, तो ए वखते मैं कह्युं कि आपणे एक काम करो भाई, पोस्ट ऑफिसमां खाता खोलावी दो अने त्यां एमनो फोटो होय अने आ बधी व्यवस्था होय, अने पोस्ट ऑफिसमां जईने ए जे विधवा बहन होय एने पेन्शन मळी जाय। होबाळो मची गयो, तूफान मची गयो, मोदी साहेब तमे शू लाया छो, विधवा बहन घरनी बहार निकळे केवी रीते, ए बैंकमां जाय पोस्ट ऑफिसमां जाय केवी रीते, एने पैसा लै केवी रीते, बधुं जात जात भाषण तमे वाँचो तो बधी मजा आवे एवुं बधुं बोल्या छे। मैं कोई भाई मारे तो आ रस्ते जवुं छे, तमे मदद करो तो सारूं, ना करी मदद पण आपणे गया, कारण जनताए मदद करी छे ने। पण आ तोफान शुं करवा मचावता हता साहेब, एमने विधवानी चिंता नहोती। ज्यारे अमे पोस्ट ऑफिस में फोटो पहचान आ बधी व्यवस्था उभी करी, त्यारे तो आ डिजिटल नी दुनिया एटली बधी पहोंची नहोती। तमने आश्चर्य थशे, सैकड़ों विधवा एवी मळी कि जे दीकरीनो जन्म ज नहोतो थयो, विधवा थई गई थी, पेन्शन जतुं हतुं। हवे आ कोना खातामां जतुं हशे तमने खबर पड़ी हशे, एटले कागा रोड थाय कि ना थाय, आवा बधा बूचबंद करी दीए एटले तकलीफ तो पड़े ने भाई। आजे टेक्नोलॉजी नो उपयोग करीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बीते 8 साल में 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से देश के 2,23,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए जो किसी और के हाथ में, गलत हाथ में जाते थे, वो बच गए हैं दोस्तों।